क्या महाराष्ट्र में गिर जाएगी शिंदे भाजपा सरकार? फरवरी का महीना नहीं देख पाएगी महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार। एकनाथ शिंदे के सामने आएगा बड़ा संकट। भाजपा के साथ जाकर शिंदे ने बड़ी गलती कर दी। स्वागत है आपका भारत वॉइस में। लंबे समय से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि महाराष्ट्र की सरकार अब ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी। क्या अब वो समय आ गया है जब महाराष्ट्र की सरकार गिर जाएगी? एकनाथ शिंदे राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, भाजपा के साथ एकनाथ शिंदे का गठबंधन टूट जाएगा और महाराष्ट्र में एक नया राजनीतिक समीकरण उभर कर सामने आएगा। बहुत सारी बातें इस समय कही जा रही है। वैसे भी महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह के हालात चल रहे हैं और जिस तरीके से एकनाथ शिंदे और भाजपा के साथ मिलकर यह सरकार चल रही है, उस पर पहले से ही बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि यह बेबेल की सरकार है। एक दूसरे के बीच सही तरीके से समन्वय भी नहीं बना हुआ है। एक दूसरे के नेता आपस में इतना ज्यादा खींचतान का शिकार है कि राज्य में सरकारी कामकाज में भी कई सारी बाधाएं आ रही हैं। इन सब के बीच अब यह दावा मजबूती से किया जा रहा है कि यह सरकार फरवरी का महीना नहीं देख पाएगी। एकनाथ शिंदे और भाजपा के साथ जो यह सरकार चल रही है वो फरवरी के महीने तक भी नहीं चल पाएगी। संजय राउत जो राज्यसभा के सांसद हैं, यह दावा उन्होंने किया है। उनका कहना है कि इस मामले में अब जो सुनवाई होनी है, यानी वो विधायक जो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए थे उद्धव गुट को छोड़ करके, उस वक्त की शिवसेना को छोड़ करके, उन लोगों को अयोग्य ठहराए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। 16 ऐसे विधायक हैं जिन लोगों पर अयोग्यता की तलवार लटकी हुई है। अगर सुप्रीम कोर्ट से सोचिए ऐसा कोई फैसला आ जाता है कि अयोग्य ठहरा दिया जाता है इन विधायकों को जो बागी होकर एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हुए थे, शिवसेना से अलग हुए थे, अगर उनको अयोग्य ठहरा दिया जाता है तो फिर महाराष्ट्र की राजनीति में कितना बड़ा सियासी भूचाल आने वाला है। जून का महीना था जब एकनाथ शिंदे शिवसेना से अलग हुए थे, विश्वसनीय नेता थे, उद्धव ठाकरे के मंत्री थे और कई बड़े नेताओं को साथ लेकर और विधायकों को, बड़ी संख्या में विधायकों को साथ लेकर वो चले गए और फिर पूरा ड्रामा चला महाराष्ट्र की राजनीति में और उसके बाद वो भाजपा के साथ सरकार बनाने में कामयाब हो गए। लेकिन दल बदल कानून के तहत एकनाथ शिंदे के जो विधायक हैं उन पर उद्धव गुट की तरफ से कहा गया कि ये दल बदल कानून करके ये लोग गए हैं, इसीलिए इन लोगों को अयोग्य ठहराया जाए। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हो रही है और अब 13 तारीख को कहा जा रहा है कि इस पर कोई बड़ा फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के कई और भी मामले चल रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच महाराष्ट्र की राजनीति में अगर ये मामला ना भी हो, यानी अयोग्य ना भी ठहराया जाए इन विधायकों को, तो कहा जा रहा है कि अब ज्यादा समय तक यह सरकार नहीं चल पाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र में एक दूसरे के बीच जो मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री हैं, या भाजपा के नेता हैं या एकनाथ शिंदे गुट के नेता हैं, इन लोगों के बीच सही तरीके से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, सही तरीके से कामकाज नहीं हो पा रहा है, जिसका असर राज्य में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी बात यह है कि इस समय जिस तरह के हालात महाराष्ट्र में चल रहे हैं उसको लेकर यह कहा जा रहा है कि बहुत सारे विधायक और नेता इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है और उनको जगह मिलती है तो ठीक, लेकिन अगर उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी जाती है तो वो जरूर बगावत कर लेंगे। और बहुत सारे नेता तो ऐसे हैं जो इस समय उद्धव गुट के संपर्क में हैं। संजय राउत पहले भी दावा कर चुके हैं कि कई विधायक उनके संपर्क में हैं, एनसीपी के संपर्क में कई विधायक हैं एकनाथ शिंदे गुट के। ऐसी स्थिति में यह कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आने वाले दिनों में यह सरकार सही तरीके से आगे चल पाएगी, क्योंकि इस सरकार के सामने पहले दिन से ही संकट है। जो लोग बागी होकर गए हैं उन लोगों में बड़ी संख्या ऐसी है जो एकनाथ शिंदे के काम करने के तरीकों से नाराज नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि वो लोग ये कह रहे हैं कि आप जबरदस्त तरीके से दबाव में है बीजेपी के और ऐसा करना सही नहीं है।
तो अब इंतजार करना होगा जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी, और अगर कोई फैसला आता है तो महाराष्ट्र की राजनीति में सच में बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है। क्या आपको भी लगता है कि महाराष्ट्र में जो लोग बागी होकर गए थे, दल बदल कानून के तहत उनको अयोग्य ठहराया जा सकता है और 16 विधायकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा फैसला आ सकता है? आपकी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।